हेलो नमस्ते, सब्सक्राइब कीजिए मेड इजी चैनल को रेड कलर के बटन को दबाकर और पास ही बने इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें इस चैनल के सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फूडीज़, वेलकम टू मेड इजी। आज मेड इजी में मैं हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। जी हाँ, इसका नाम है मुगलई दमे अरबी। अरबी तो हम सभी ने खाई होगी, लेकिन आज हम बनाते हैं इसको एक नए अंदाज से। ये लखनऊ की बहुत ही फेमस रेसिपी है, तो चलिए बिना देर किए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमें इसको बनाने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मैंने ली है 3 से 4 कलियाँ लहसुन की, साथ ही मैंने लिया है धनिया पाउडर, ये लिया है मैंने नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के काट लिए थे इस तरीके से बड़े बड़े, और साथ ही मैंने लिया है थोड़ा सा अजवाइन भी, और ये मैंने 250 ग्राम जो है अरबी है उसको मैंने अच्छे से कच्चा ही छील लिया है ऊपर से और वॉश कर लिया था। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दमे अरबी में इसका जो दम है यानी जो मसाला है वो प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग जार में डाला है प्याज और लहसुन, साथ ही मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, और सबसे पहले हम इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए प्याज लहसुन पिस के तैयार हो चुका है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो कोई हांडी या कोई भी पतीले का इस्तेमाल करें इसको बनाने के लिए। इसमें मैंने 1.5 बड़े चम्मच तेल डाला था सरसों का, और उसके बाद इसमें तेल गर्म होने पर मैंने यहाँ पर सारा जो पेस्ट तैयार किया था लहसुन का और प्याज का वो डाल दिया है। लहसुन और प्याज के पेस्ट के साथ ही मैं यहाँ पे दिखाना भूल गई हूँ, वो स्किप हो गया है, आप इसमें अजवाइन भी उसी मोमेंट पे डालें। साथ ही मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच और धनिया पाउडर 2 छोटी चम्मच यहाँ पर डालूँगी। देखिए इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। अभी हमने गैस के फ्लेम को थोड़ा तेज रखा हुआ था, लेकिन अब हम फ्लेम को धीमा कर देंगे, और धीमी आंच पर हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि मसाले में से तेल नहीं छूट जाता और ये बहुत अच्छे से कुक नहीं हो जाता। तो 5 से 7 मिनट लगते हैं मसाले को भुनने में, और मसाला जब पूरी तरह से भुन जाएगा, इसको बीच बीच में चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, मसाला जलना नहीं चाहिए नीचे से वरना सारा स्वाद खराब हो जाता है। जब मसाला हमारा भुन जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। देखिए बिल्कुल तेल छोड़ दिया है मसाले ने। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अरबी, और साथ ही हम मसाले में ऐड कर देंगे नमक अपने स्वाद अनुसार। इसको अच्छे से हम टॉस करेंगे एक बार, मसाले के साथ में अरबी को मिक्स करेंगे। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। अब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और कुकर के ढक्कन को इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। हमें इसे प्रेशर कुक नहीं करना है बिल्कुल भी, और इसको इसी तरीके से धीमी धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट लगते हैं पकने में। और फिर भी अगर नहीं पकती है 15 से 20 मिनट में, क्योंकि डिपेंड करता है अरबी किस क्वालिटी की है, कभी कभी वो ज़्यादा हार्ड होती है तो वो नहीं पकती, तो आप इसको एक विसल के लिए प्रेशर कुक कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए आप दबा के चेक करेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, इसका मतलब अरबी बिल्कुल तैयार है। तो ये हमारी दमे अरबी बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है। देखिए गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था और अब ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो आप इसको रोटी या पराठे के साथ सर्व कीजिए। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नीचे लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इस रेसिपी को अपने घर में बनाइए और अपने एक्सपीरियंसेस मेड इजी के साथ शेयर कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी है, और आपके लिए मैं ऐसी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून, हैव ए गुड डे।